दोस्तों नमस्कार। कई बार हम देखते हैं कि थन में से जब हम दूध निकालते हैं तो उस समय वो दूध सीधी एक धार के रूप में नहीं निकल करके और फव्वारा सा निकलता है। आप देख रहे हैं कि ये जो टीट्स है इसके जो नीचे वाले टीट मेटिस होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। कहीं ना कहीं उनमें मान लीजिए इंजरी की वजह से हो या फिर मान लीजिए अंदर कोई डिफेक्ट हो गया है, मांस बढ़ गया, कई कारण हो सकता है। तो उससे क्या है कि फिर फुंवारा सा बनने लग जाता है। ऐसा ही एक कमेंट हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने किया है जिनका नाम है अली फैन क्लब, और ये लिख रहे हैं, सर हमारी भैंस के थन में फुंवारा बनता है दूध का, प्लीज़ सॉल्यूशन बताइए। देखिए, अगर आपकी गाय भैंस दोनों को ले लेते हैं, गाय भैंस के अगर फव्वारा बन रहा है तो उस कंडीशन में स्थिति धीरे धीरे करके गंभीरता की तरफ जा सकती है। इसीलिए इसे आप सीरियस लें। कई क्या करते हैं कि जो कई प्रकार की ट्यूब्स आती है वो डालते रहते हैं, तो उससे फिर क्या है, वो फव्वारा एक बार के लिए ठीक होता है फिर वापस हो जाता है, एक बार के लिए ठीक होता है वापस हो जाता है। इसलिए आपको जहाँ तक हो सके वहाँ से छेड़छाड़ नहीं करनी है। सिर्फ एक स्प्रे आता है मार्केट में और वो आता है विस्प्रेक के नाम से। ये बहुत अच्छा स्प्रे है जो हम अंदर जो टीट केनाल है उसमें भी डाल सकते हैं, तो वो स्प्रे आप इस्तेमाल कीजिए, तो उससे काफ़ी हद तक आपकी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाएगी, जिसका नाम है विस्प्रेक। ये स्प्रे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन भी करके आपको दिखाया भी था कि कैसे इसको डालते हैं वीडियोज़ में। तो ये स्प्रे आप लेकर के आ जाएं और फिर जो सीर है, जो टीट मेटिस है जहाँ से दूध निकलता है, जो छिद्र है उस छिद्र में इसके आगे जो टिप होता है उस छिद्र को दोनों को मिला दीजिए और मिला करके और फिर कीजिए पुश। तो आप जो ही पुश करोगे जितने में दवा जो है वो अंदर जाएगी, उसमें से दवा निकलेगी, यानी जो फव्वारा होगा उसमें दवा फ्रेशर के साथ निकलेगी, वो दवा अंदर चली जाएगी। अगर ये काम आप 4-5 दिन तक दूध निकालने के बाद करते हैं तो धीरे धीरे करके जो फव्वारा आने की शिकायत है वो मिट जाएगी।